पुलिस स्टेशन बैठी, बोले भैया आपने टिकट बनाया मेरे को बैठने नहीं दिया। उसने जाकर 40 नंबर सीट में बैठी। थोड़ी देर बाद 40 नंबर सीट वाला है, तो माता जी खड़े हुए, बोले क्यों मैंने टिकट बनाया, बोले नंबर सीट मेरी है। उसने 30 नंबर सीट में बैठी गई, अभी 30 नंबर सीट वाला आ गया, बोले माता जी खड़े हुए, बोले क्यों मैंने टिकट बनाया, बोले नहीं ये सीट मेरी है, ये सीट मेरी खड़े हो जाए। उसने जा करके फिर बैठ गए 20 नंबर सीट में। थोड़ी देर बाद में 20 नंबर सीट वाला है, बोले माता जी खड़े हो गए, बोले क्यों, बोले सीट मेरी है। अब उसको कोई बैठने नहीं दे रहे, बोले भैया बात किया आपने टिकट बनाया मेरे को बैठने क्यों नहीं दे रहे। देखा कहाँ पर बैठ जाए पर मेरे को कोई उठाएगा नहीं। देखा जो ड्राइवर का जो सीट सबसे बढ़िया लग रहा था वो अलग था, दिया बोले अगर ये ड्राइवर का सीट में बैठ जाओ ना मेरे को कोई उठाएगा। वो जाकर बढ़िया सीट है भाई, अकेला सीट है आराम, हाँ यहाँ पर कोई आएगा नहीं उठाएगा नहीं। उस समय ड्राइवर गया था चाय पानी पीने के, अभी चाय पानी पी करके उन्होंने वहाँ पर आया, आया तो देखा पूरा बस भरा हुआ और उसका सीट पर बैठी थी एक बूढ़ी माता जी। बोले माता जी खड़े हो जाओ यहाँ से, ये मेरी सीट हुई। बोले बाबा हाथ पा जोड़ता हूँ, मेरे को उठाओ मत, मैं परेशानी हो गई हूँ, मेरे को कोई बैठने नहीं देते इसलिए यहाँ बढ़िया अकेला सीट आ। बोले माता जी मैं ड्राइवर हूँ, ये ड्राइवर का सीट है, मेरे बगैर ये गाड़ी नहीं चलेगी, यहाँ से खड़े हो जाओ। बोले बाबा हाथ पा जोड़ता हूँ, मैं परेशानी हो गई हूँ, मेरे को यहाँ से उठाओ मत। बोले माता जी ड्राइवर का सीट है, अभी गाड़ी मैं चलाऊंगा तब तक चलेगी। बोले पाप हाथ पा जोड़ता हूँ, मेरे को परेशानी मत करो, बूढ़े आदमी मेरे को क्यों परेशान कर रहे हैं, मैं ऐसे थोड़ी बैठी हुई, मैं टिकट बनाई। बोले टिकट दिखा, उसने टिकट दिखाया, टिकट नंबर कितना था, 15 नंबर था। देखा सारे सीट तो भरा हुआ, वही सीट के बोले खाली, बोले आ जाओ तेरे को हम बैठा देते हैं। और उनको 15 नंबर सीट में बैठा दिया, बोले कोई उठाएगा नहीं, बोले कोई तेरे को उठाएगा नहीं, और सीधा अपना घर में पहुंच जाओ। बात सीधा अपना घर में पहुंच गया। देखो ये कथा की तात्पर्य क्या है, हम संसार में आए, घर दुकान मकान बनाया, हमको पता होगा जिंदगी का कमाई करते 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 50 साल का कमाई, 25 साल तक पड़ी, 25 साल तक कमाई किया, करते करते बड़े कष्ट से घर बनाया, क्या ये घर में रह सकते हैं, बनाया अपने आपके पास में सारे हैं, सारे कागज पत्र किया, यहाँ आप रह सकते हैं, यहाँ पर घर में, ये घर में रह नहीं सकते, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। फिर हमने दूसरे सीट पर बताया, शरीर छोड़ा कर दूसरे जीवन में गए, फिर 25 साल तक पढ़ाई, फिर 50 साल तक कमाई किया, करते करते फिर हमने जीवन में फिर एक मकान बनाया, क्या वहां भी रह सकते हो, एक जन्म से नहीं कितने जन्म से बना रहे हैं छोड़ रहे हैं, बना रहे और छोड़ रहे हैं। बोले भैया कब तक बनाओगे कब तक छोड़ेंगे, बोले जब तक तुम अपना सीट पर नहीं बैठ जाओगे, अपनी असली सीट पर जब तक नहीं बैठ जाओगे ना तब तक ये बनाते रहोगे छोड़ते रहोगे, बनाते रहोगे छोड़ते रहोगे। हाँ अपना असली सीट में हमें कौन बैठाएगा, बोले हमारे जो ड्राइवर वही लेकर बैठाएगा। बोले ड्राइवर कौन, बोले सदगुरु, सदगुरु ये ड्राइवर है, वही हमें लेकर के अपना असली सीट में बैठा देगा। बोले भैया यहीं पर बैठो, ये तुम्हारी टिकट नंबर यही है, यहीं पर बैठो, यहीं पर बैठो है ना, सीधा ठाकुर के पास में पहुंच जाओगे, तुमको कोई यहाँ से उठाने वाले नहीं। कहते भैया वो कौन सा सीट है, तब भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, हे अर्जुन माम उपतु तु कौन तो या पुनर्जन्म न विद्यते, बोले आप ब्रह्म भुवन लोकात पुनरावर्तिन अर्जुन, हे अर्जुन अगर तू पुण्य कर्म करके ब्रह्म लोक तक भी चले जाओगे पुण्य खय होते फिर यहीं पर आना पड़ेगा, यहीं पर जन्म मृत्यु का चक्कर में तुम्हें भटकना पड़ेगा अर्जुन, लेकिन जब तुम मेरे पास में आ जाओगे ना, क्योंकि मैं ही तेरे पिता हूँ, मैं ही तेरे माता हूँ, असली पिता माता तो मैं हूँ, अभी तो मेरे को भूल गए, भूल करके कि दुनिया के हर जन्म में एक नया पिता माता परिवार मिलता है फिर छोड़ देते हैं, फिर नया परिवार पिता मिलता है छोड़ रहे हैं, कितना जन्म से पकड़ रहे हैं छोड़ रहे और पकड़ रहे छोड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोले भैया मैं तुमको अपना घर में ले जाने के लिए आया हूँ। बोले भैया वहाँ जाने के लिए टिकट की चाहिए, बोले केवल एक टिकट की जरूरत है, एक टिकट बना दो और मेरे पास में आ जाओगे। बोले वो कौन सा टिकट है, बोले हरि नाम महामंत्र लला धूनी माजी,
वहां जाने के लिए एक टिकट है भगवान का नाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोग जो बंगला कीर्तन गा रहे थे ना, वो बंगला कीर्तन में यही सब बात बता रहा है, लेकिन आपको पल्ले में नहीं पड़ रहा था ना, बोले पता नहीं बाबा लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये जो कीर्तन है ना, ये बड़े 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 संत लोगों ने ये अनुभूति करके ये सब भजन को लिखे, ये सब भजन को लिखे। अभी और एक भजन गा रहे हैं, बहुत अच्छी भजन है, ये तो बंगला भाषा में महापुरुष का भक्त लोगों ने लिखे, इतने उसमें इतने ज्ञान है ना, इतने तो सोच भी नहीं सकते। देखो उसका एक 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 लाइन गा कर उसको हम समझाते हैं। बोले उदिला अरुणा पूरब भागे बिजवनि वरा अमनि जागे, भकत समूह लैया साथे गेला नगर भागे, साथई साथई जन जन ताए झंझरो प्रेम ढल ढल सुनरंग चरण पूरा मुकुंद माधव यादव बोलरे बोलरे बदन बारी भावना अरुणा क्या बोल रहे हैं कभी से चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, वो सवेरे उठ करके अपना भक्तों को लेकर के एकदम सवेरे सवेरे उठ जाते थे और उन सबको लेकर के नगर घर में चले जाते थे, मजिरा मृतक लेकर के जाकर कीर्तन करते थे। बोले क्यों, जैसे सवेरे सो रहे हैं, अगर उठने से पहले अगर प्रभु का नाम कीर्तन उनको काम में पड़े उनका कल्याण उनको मंगल होगा, इसलिए महाप्रभु भक्तों को लेकर के कीर्तन करने के लिए जाते थे। इसलिए नियम है हमें सवेरे सवेरे उठनी चाहिए, लेट में नहीं उठनी चाहिए। इसलिए बोले चार तरह का स्नान है, एक है ऋषि स्नान, एक है देव स्नान, एक है नर स्नान और एक राक्षस स्नान। बोले ऋषि स्नान किसको कहते हैं, ऋषि लोग कब स्नान करते हैं, बोले ऋषि लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, सूर्य उदय होने से एक घंटा पहले जो स्नान उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय जो स्नान करता है ना, शरीर से आधा बीमारी अपने आप निकल जाए और उसी समय मन एकदम शांत रहता है। इसलिए भजन कब करनी चाहिए, सवेरे सवेरे। अब देखना सवेरे सवेरे बैठ करके भजन करो, मन अपने आप लगेगा, जितना दिन होते जाएगा शरीर में रजोगुण आता जाती है, मन इधर उधर भटकने लगता है, ये काम करना वो काम करना, ये दूध आने वाले घर साफ नहीं हुआ, घर में सब्जी नहीं, तरह तरह का दिमाग में भटकने लग जाती है। लेकिन आप देखना एकदम सवेरे सवेरे उठ करके भजन करो, देखना मन एकदम उसमें डूब जाती है। इसको कहते हैं ऋषि स्नान है। दूसरा स्नान है देव स्नान। बोले देव स्नान किसको कहते हैं, बोले सूर्य उदय होने से ठीक पहले जो नहा है। एक होता है नर स्नान, इंसान को कब स्नान करनी चाहिए, कम से कम सूर्य उदय में ही करना,
कहते राक्षस स्नान किसको कहते हैं, बोले सूर्य उदय होने का स्नान कहता है, कहते उसको राक्षस स्नान कहते हैं। हमें राक्षस स्नान नहीं करनी चाहिए, कम से कम नर स्नान तो कर लो, सूर्य उदय समय तो कर देनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए महाप्रभु एकदम सबर सबर उठ जाते थे और भक्तों को लेकर भी मजिरा कीर्तन। आप देखना पहले हमारे पूर्वज लोग यही करते थे, गांव गांव में घूमते थे, हरि कीर्तन करते थे, भगवान का नाम करते थे, सबको कान में भगवान का आवाज आओ, तो कहते ना मंगल भवन मंगल हरि ठाकुर जी का नाम। अगर गांव में प्रभु का कीर्तन नाम हो ना, वो गांव में कोई दुख कष्ट नहीं आता है, भगवान के नाम देखते हैं इसलिए कोई दुख कष्ट नहीं आते। तो उसमें कहते हैं बोले उदित तपन हरिले अस्त दीप के लवली हरि व्यवस्थ तबे कहना है बे अलस होई ना भजे हृदय राजे। जैसे एक दिन अगर आज एक दिन चला गया ना, हम क्या कहें भैया आज का दिन चला गया, आज का दिन चला गया, तो कह रहे भैया तुम कह रहे हो आज का दिन चला गया, जो खुद बोलते हो आज का दिन चला गया, गेला जे दिवस ना सिवा आज, आज जो एक दिन चला गया क्या करोड़ रुपया देने से दिन फिर वापस आएगा, जो एक श्वास हमारी गई है क्या करोड़ रुपया देने से एक श्वास कम वापस ला सकते हैं। माने जैसे अरब खरब एक व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया भैया इसको अंतिम श्वास है, अगर बोले तुम्हें चार कोई नहीं हीरे दे रहा, उसको चार श्वास वापस ले आओ, वापस ला सकते हैं नहीं ला सकते। इसलिए कह रहे भैया ये मानव शरीर की जो एक एक श्वास है ना, वो कोई नहीं हीरे से भी जाता मात्र, लेकिन इसमें कह रहे हैं तभी ये श्वास का सार्थकता किसमें, तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी चीज को समझा रहे हैं, बोले ये श्वास का सार्थकता कभी है, अगर हमारे हर श्वास श्वास में भगवान के नाम अगर निकले तो तभी ये श्वास की सार्थकता है, नहीं तो ये श्वास का कोई सार्थकता नहीं। इसलिए उदित तपन हैले हस्त दीन गेल बोले हय व्यवस्था, भैया दीन चला गया तो भैया तब तबे कहना है आलस हो ना भजे हृदय राजे, फिर तुम इतने आलसता क्यों करते हो, प्रभु का नाम क्यों नहीं लेते, भजने क्यों नहीं करते, ये जीवन तो भजने के लिए ही प्रभु दिया ना 84 लाख जन्म के बाद में, भैया जो काम के लिए मिले वो काम क्यों नहीं कर रहे हो, वो समझा रहे हैं। देखो एक छोटी सी कहानी है, एक बहुत बड़ा एक जमींदार था जिसका नाम था लाला बाबू, ये बंगाल के बहुत बड़ा जमींदार है, बहुत बड़ा जमींदार वो था। लेकिन पहले क्या होता था, लोग गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, भागवत पढ़ते सुनते थे, इसलिए सब लोगों को ये पता रहता था भैया ये जीवन दुर्लभ है, ये जीवन में भजन करनी चाहिए, तो गीता भागवत तो यही बताता है जीवन दुर्लभ भजन करो। लेकिन अभी धीरे धीरे इंटरनेट मोबाइल और स्मार्टफोन उल्टा पुलटा टीवी भी आकर के बस लोग उसमें ही समय को गंवा रहे, ये सब चीज नहीं होता था, लोग जाते थे मंदिर में बैठते थे गीता भागवत सुनते थे, उनको पता चलता था भैया जीवन दुर्लभ है, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, है इसलिए स्वाभाविक रूप में लोगों का मन उतर जाता था। अभी बच्चे देखो इतने उल्टा पुलटा रास्ता में क्यों जा रहे हैं, अभी जो यंग स्टार है इतने उल्टा पुलटा रास्ता में क्यों जा रहे हैं, ये सब चीज को सुन नहीं रहे, ये गीता भागवत को सुन नहीं रहे, इसलिए सबको सब नास्तिक होते जा रहे हैं। पिता माता की सेवा नहीं करते, पहले सुनते थे श्रवण कुमार होता था, पिता माता को कंधे पर लेकर के सारे तीर्थ करते थे, सब कथा सुनते थे, इसलिए इनके हृदय में भावना आती थी पिता माता की सेवा करनी चाहिए, राम राम कथा सुनते थे, भगवान सवेरे उठते थे पिता माता के चरण छूते, गुरु जी के चरण छूते, हमें भी इधर के चरण छूनी चाहिए, तभी तो ये संस्कार पड़ते थे ना, पिता माता की सेवा करनी चाहिए। राम ने पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए 14 साल वनवास, बच्चों को पूरे संस्कार पढ़ते भैया सीता माता की सेवा हमें पहले करनी चाहिए। अब घर घर में जाओ यही घटना है, हर पिता माता बोलेगा बच्चा बात नहीं सुनता, बच्चा बात नहीं सुनता है, और घर घर में ये एक कोई एक व्यक्ति में कहीं गया था पार्क में घूमने के लिए, वो बोलता था गांव में पहले एक गुंडा होता था, अभी घर घर में गुंडे हो अभी घर घर में गुंडे हो गए, और ये बोलता था हम कॉलेज जो पढ़ने जाते थे, हम कॉलेज पढ़ने जाते थे, हम 15 लड़के थे, हमारे साथ में एक लड़की भी होती थी, जब बस में आते जाते थे मैं जिंदगी में उसको कभी हालो हमने नहीं बताया, लेकिन अभी पिता माता को सामने लड़का लड़की पिता माता को सामने कोई शर्म नहीं, हैंड सब करके घूमते हैं,
तो कोई शर्म नहीं, हमने वो व्यक्ति बता रहा था, कभी भी वो एक लड़की थी, कभी भी हालो नहीं बोला उसको। अभी जमाना कैसे जमाना हो गया, कैसे अद्भुत जमाना हो गया है। इसलिए वो जमींदार था, उसको पता था भैया जीवन अनमोल जीवन है, भगवान दुर्लभ हमें जीवन दिया, ये जीवन पाकर भक्ति करनी चाहिए। एक दिन क्या हुआ, गांव में अब देखो ना, पहले फेरी वाला आते थे, सर के ऊपर भी सब सामान को लेकर काम काम में भेजते थे। वो फेरी वाला लाला बाबू को जो सामान दिया था, वो लाला बाबू खड़े हुए थे छत के ऊपर में, इतने में सूर्य डूबने जा रहे थे। वो फेरी वाला आया, बोले लाला बाबू बेला गेलो, मतलब सूर्य डूबने जा रहा है और हमें बहुत दूर तक अपना गांव में जाना है, दूर जाना, सूर्य डूबने जा रहा है, जल्दी जल्दी पैसा दे। देखो उसने एक बात बताया, उन्होंने कैसे बात हुए से उन्होंने कैसे समझा, बोले बात तो सही, ये सूर्य डूबने जा रहे हैं, मतलब जीवन का जो सूरज है वो अस्त होने जा रहा है। मेरी उम्र तो हो गया, बहुत बड़े जमींदार थे, ये जमींदार देखते देखते मेरी तो जीवन चला गया, मेरे जीवन जीवन रूपी सूरज अस्त होने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जाना अपना गांव तो पहुंचना, दूर गांव है, सचमुच से अपना घर तो ठाकुर जी के घर है, ठाकुर जी तक पहुंचना हमें, लेकिन घर बहुत दूर है, आज हमें जाना वापस जाना हमें। इसलिए भैया ये तो सही बता रहे, ये तो हमें सही बता रहे, हमें दूर जाना ठाकुर तक पहुंचना हमें। इसलिए उसको जीवन में ऐसे थका लगी, मतलब और राजपाट नहीं, क्योंकि संसार ऐसे है कि ना, एक समस्या के बाद में दूसरे, दूसरे समस्या के बाद तीसरे, ऐसे जैसे दलदल में फंस जाते ना संसार, कभी भी संसार का काम कभी खत्म नहीं होता है। लाला बाबू ने देखा तो जमींदार थे ना, अभी सोच रहे तो थोड़ा काम को निपटा करके चले जाएंगे, बोले काम क्या निपटाओ, खुद निपट जाओगे, काम कभी निपटने वाले नहीं, खुद निपट जाओगे। इसलिए उसको धक्का लगी, वो छत के ऊपर से नीचे उतर कर आ गया, बोले और नहीं, अभी हम वृंदावन जाएंगे, वहीं पर रहेंगे, संत सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, लोगों को सत्संग कराएंगे, छत से ऊपर करके नीचे आ गए। अब मेन रोड में खड़ा हुआ, खड़े होकर सोच रहा है कि भैया अभी क्या करें, अभी वृंदावन जाकर भजन करे ना, और थोड़ी बहुत अभी हमारे ऊपर दायित्व है, अभी थोड़ी बहुत हमारे ऊपर दायित्व है, क्या ये काम को निपटा करके जाए ना, अभी चली जाए। वो मेन रोड पर खड़ा हुआ, एक जमादार ने जो रोड को साफ कर रहे थे, बोले लाला बाबू एक तरफ हो जाओ। लाला बाबू एक तरफ हो जाओ, वो तो कह रही थी सही, वो झाड़ू लगा रही है रोड में, सीमेंट रोड के ऊपर खड़े थे, बोले भैया ये तो सही बता रहे हैं, एक तरफ हो जाओ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अभी चला जाओ ना, बाद में जाओ, तो सही बता रही, बोले और नहीं चलो वृंदावन चलो। हमने पूरा राजपाट को छोड़ करके वृंदावन है भजन के। लेकिन उसी समय जो दो व्यक्ति जमींदार थे, ये थे एक जमींदार और एक जमींदार था जिसका नाम था जगत सेठ, वो भी बड़ा पैसा वाला था, ये भी दोनों ही पैसा वाला थे, और इनको प्रॉपर्टी को लेकर के बड़ी दिन तक कोर्ट मामला। अब लोग वृंदावन में गए नहीं, गए कि नहीं, वहां पर देखना जो रंग जी मंदिर है उन्होंने बनाया, वो रंग जी मंदिर उन्होंने बनाया, और जो लाला बाबू का मंदिर उसको पास में और एक मंदिर, वो लाला बाबू का मंदिर है, अक्सर करके आप लोग नहीं जानते वो मंदिर उसको पास में ही है, एक एक इसने बनाया, एक दूसरे ने बनाया उसने। लेकिन बड़े दिन तक उनके केस मामला चल रहे थे, उसके अंदर चल रही थी, तो अभी वृंदावन में तो संत लोग जाते थे माधुरी लेने के लिए, रोटी सब्जी लेते थे, खाते थे, यमुना की पानी पी लिया और भजन करते थे। लेकिन जो जगत सेठ था, ये तो सब छोड़ करके बाबा बनी करके आया, जो जगत सेठ था वो रोज संतों को अपना हाथों से रोटी और सब्जी रोज देता था, संत लोग आकर के लेते थे और प्रसाद पाकर के भजन करते थे। लेकिन वो लाला बाबू वहां नहीं आता है, बोले क्यों, उसको याद है ना, इसको साथ में अपने कोर्ट मामला मकदमा अपने बड़े दिन तक चलाया, वो नहीं आते। लेकिन राधा रानी बड़ी दयाल, राधा रानी बड़ी कृपाल, राधा रानी वृंदावन में भजन करने के लिए जाओ ना, जब तक श्री किशोर जी की कृपा नहीं हो तब तक भजन नहीं होता। किशोर जी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी दयालु, जिसको कृपा करे वो आश्रय देती है, वही व्यक्ति ही ब्रज में रह करके भजन कर सकते हैं।
अभी राधा रानी ने देखा भैया इतनी राजपाट छोड़ करके सब तो छोड़ करके भजने के लिए आया, लेकिन अभी थोड़ी सी कमी इसके अंदर भी, किस चीज की कमी, अभी भी अभिमान है, वो मेरे शत्रु है, वो मेरे मित्र, अभी भी इसके हृदय में ये भावना है। इसलिए एक दिन राधा रानी छोटी बालिका बन करके आई, बोले बाबा बाबा तू भजन करने के लिए आए हो, धन दौलत पुत्र परिवार छोड़ कर थी, लेकिन अभी भी तेरे हृदय में ईर्ष्या द्वेष है। ब्रज में ये ईर्ष्या द्वेष लेकर थोड़ी भजन होता है, भजन करना तो हृदय की ईर्ष्या द्वेष को छोड़ो, शत्रु मित्र भाव को छोड़ो, तब तो भजन होगा। क्योंकि देखो वो जगत सेठ के साथ तुम्हारी लड़ाई थी पहले, अरे जब पहले था अभी तो कोई लड़ाई नहीं, अभी तो तुम भजन करने के लिए आए ना, लेकिन तुम अभी भी वहां पर जा करके तुम वहां से तुम माधुर्य नहीं लेते हो। अगर भक्ति करना चाहते ना उसके पास में जाओ, हृदय के सारे अभिमान और पूर्व का जितने स्मृति तुम्हारी त्याग दो, और त्याग देकर भजन करो। इतने में हो गया सचमुच, बोले बात भी सही बता रही राधा रानी, स्वयं बताई है। अभी वो गया जिस लाइन में साधारण लोग खड़े होकर के माधुर्य ले रहे थे, कहाँ इतनी बड़ी जमींदारी उसी लाइन में जाकर खड़ा रहा। लेकिन जब इसकी बारी आई ना रोटी लेने की, जगत देखने देखो लाला बाबू मतलब जमींदारी है ना, लेकिन भजन करने के लिए आए और इनको पास में माधुर्य लेने आए, मतलब क्या है, हृदय में इनके प्रति जो ईर्ष्या द्वेष खत्म हो गया, तभी तो उनको पास में सब चीज भूल करके माधुर्य लेने के लिए आए। जब दोनों दोनों को देखे, दोनों दोनों को गले में लगा लिया, लगा करके आंखों का आंसू से पहले जितने उनके अंदर में ईर्ष्या द्वेष था, उन्होंने सब कुछ को उन्होंने धो डाले, धो करके फिर तो दोनों मित्र हो गए, फिर तो हृदय से सब चीज निकाल करके वृंदावन में उन्होंने भगवान की भजन किया है, भजन किया। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं भैया, उदित तपन हैले अस्त दीन गलबले हैवे व्यस्त, तबे केनावे अलस होइ ना भजे हृदय राजे। बोले भैया जब एक दिन चला गया, तुम खुद गए थे, आज दिन चला गया, बेला गेलो, बोले दीन गया, जब दीन गया दोबारा तो समय आएगा नहीं, फिर तुम अलसता करके भक्ति क्यों नहीं कर रहे हो, भगवान की भक्ति क्यों नहीं कर रहे हो, वो समय तो दोबारा आएगा नहीं ना, वो टाइम तो वापस नहीं आएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी क्या करो, भगवान के भजन में लग पड़ो। दूसरी लाइन में कहते हैं ब्रज वैर कल्याण साधन का, जगते आसिए मधुर नाम, अभिज्ञाते मेरा सपना रूपे महाप्रभु अपना भक्तों को बोले देखो कली युग में मैं दो रूप में जगत में अवतरित हूँ। बोले दो रूप क्या है, बोले एक का नाम, अपना नाम रूप में आऊंगा, दूसरे श्री विक्रम करके जो ठाकुर को पूजा करते हैं, कहते हैं विक्रम कली युग में मैं ये दो रूप में कली युग में अवतरित हूँ। इसलिए देखना हम भी उसी दो रूप को पूजा करते हैं,
घर में ठाकुर का सेवा पूजा करते ही, इसलिए घर में जो ठाकुर वो स्वयं भगवान है, ये मत समझो नहीं ये तो दिखता नहीं खाते नहीं एक जगह पर सब बैठे, बोले नहीं वो विग्रह मतलब क्या जो हमारी सेवा को विशेष पूर्वक ग्रहण करते हैं इसका नाम विग्रह है। तो ठाकुर जी विग्रह रूप में आए क्यों जगत, कारण क्या, इसका कारण बताए। एक दिन श्री नारद जी सब घर घर में गए और सबसे पूछे भैया ठीक ठाक हो, सब तो मुंडी हिलाए लेकिन अंदर की बात पूछा तो जरा कोई भी ठीक नहीं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई बच्चे से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई सास से दुखी, दुखी 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 दुख से वैकुंठ गए। देखा ठाकुर तो अनंत नाग प्रसन्न किए और मुस्कुरा रहे हैं, भैया लक्ष्मी चरण बन रहे। नारद जी ने कहा प्रभु ये दुनिया को आपने तो सृष्टि किया ना, बोले हाँ, बोले खुद सृष्टि कर दिया दुनिया को और दुनिया लोग दुखी हो रहे हैं और आप तो यहाँ पर अनंत नाग ऊपर शयन करके मुस्कुरा रहे हो। तब भगवान ने कहा बताओ भैया क्या करना, क्या बताओ, बोले प्रभु हरि विमुख कभी सुख नहीं, भगवान से विमुख होकर के रावण जैसे व्यक्ति को भी शांति नहीं मिली। हम कितने पैसा कमाएंगे, कितना नाती पोती, कितना बेटे, कितने दुकान वगान बनाएंगे, जिसकी सोने की लंका, मंदोदर जैसे पुत्र, मेघनाथ जैसे बेटा था, नहीं उसको चैन नहीं मिली, दुखी दुखी रहता था। प्रभु जब तक ये जीव तुम्हारी शरण में नहीं आएगी, भले ही दुनिया की जितने वस्तु को प्राप्त कर ले, ये जड़ वस्तु कभी सुख नहीं दे सकता। क्यों, नश्वर है, जो स्वयं अनित्य एक दिन क्षण भंगुर है, वो तुम्हें शाश्वत शांति देगी कैसे, शांति सुख देगा तो तुम्हारी भक्ति भजन देगा। इसलिए प्रभु थोड़ा नीचे उतर, जीव को थोड़ी सी आपकी सेवा मिले, आपकी भक्ति कर शांति मिलेगी। बोले मैं तो वैकुंठ में हूँ, बोले वैकुंठ किसने देखा, वैकुंठ कौन देखा, सब सुने वैकुंठ थोड़ी कोई कहे, थोड़ा नीचे उतर, बोले देखो मैं स्वर्ग में भी हूँ। बोले स्वर्ग तो हमने सुन रखा है, स्वर्ग कोई स्थान, लेकिन स्वर्ग किसने देखा, वहाँ बामन देव रूप में। तब भगवान ने कहा देखो मैं सबका हृदय में बैठा हूँ, कहते एक वृक्ष है उसमें दो टहनिया, दो टहनिया में एक तो दो उसमें तोता बैठा हुआ है, एक तोता तो खट्टा मीठा बल खाता है और एक तोता केवल शाखी रूप में देख रहा है। बोले ये शरीर रूपी शाखा में दो तोता बैठे, बोले एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जो जीवात्मा खट्टा मीठा फल खा रहे, मतलब क्या, कभी दुखी कभी सुखी, कभी दुखी कभी सुखी है, लेकिन उसमें एक बैठा हुआ जो केवल साखी रूप में देख रहा है, वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं, वो केवल देखता रहता है। कह तो परमात्मा कौन, बोले भगवान है। बोले मैं सबका हृदय में तो परमात्मा रूप में विद्यमान हूँ। बोले प्रभु आप सबका हृदय में तो हो, लेकिन अनुभूति किसको, हमें कोई अनुभूति भगवान अंदर में बैठे हुए, हमें कोई अनुभूति है ही नहीं। बोले प्रभु और थोड़ा निकट में आ जाओ, जैसे जीव तुम्हारी सेवा करके उसको कल्याण हो। फिर नारद बोलने पर ठाकुर जी घर में जो ठाकुर जी बिक रहे हैं, जैसे राधा कृष्ण गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी है, भगवान राम लक्ष्मण सीता ठाकुर जी ये विग्रह रूप है। देखो जिस भगवान को पाना कितना कठिन है, कितना शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जामी निरंतर ध्यामी, लेकिन देखो हमारे घर में कैसे ठाकुर जी बैठे, इतने नजदीक ठाकुर जी आ गए, जब इच्छा तब दर्शन कर ठाकुर जी को, मंगला दर्शन कर लो, दोपहर में देख लो, शाम को देख लो, और इतना ठाकुर इतने नजदीक में आ गए, ठाकुर जी हाथ में लेकर लड्डू को स्नान कराते, ठाकुर जी को पंखा जुलाते, ठाकुर को श्रृंगार करते, कितने दुर्लभ ठाकुर अभी कृपा करके ये विग्रह रूप में आ। इसलिए महाप्रभु कहते हैं विग्रह न तुम्हें सख्यात प्रजगन, तो विग्रह नहीं तुम सख्यात भगवान हो। अगर ये ठाकुर को अगर सही सही सेवा करोगे, ये सही सही सेवा करोगे, तो माता जी भी जो कि कृष्ण को जिंदगी भर अपना बेटे रूप में आराधना की, बेटे रूप में उसको स्नेह खिलाना पिलाना, जब ये माता जी वृद्ध हो गई, कृष्ण उनकी सेवा करते, क्योंकि जिंदगी भर उसने मेरी सेवा की है, कभी वृद्धावस्था में कौन सेवा करेगा, ठाकुर को सेवा करना पड़ जाता है। लेकिन अगर सही सही घर में जो ठाकुर की, अगर सही सही अगर पत्थर मान करके तू तो दिन भर खा रहे हो,
ठाकुर जी को थोड़ी सी मिसिंग हो गया, खुद दिन में दो बार ड्रेस बदलाते हो, ठाकुर जी 15 दिन से बैठे हो, स्वयं प्याज लहसुन डाल ढूंढ रहे खा रहे हो, ठाकुर जी जब बेसमेंट थोड़ी ठाकुर करेंगे, जब तुम उसके लिए करोगे वो तो तभी तुम्हारे लिए करेंगे ना, जब उसको तुम भगवान मान करके करोगे। इसलिए शास्त्र ने बताया ठाकुर को सेवा कैसे करनी चाहिए, बोले आत्मबत। आत्मबत मतलब है अपना जैसे, जैसे हम भी खाते हैं ठाकुर भी खाते हैं, जैसे हम भी पहनते ठाकुर भी पहनते, अगर उनके लिए करोगे तब तो ठाकुर हमारे लिए करेंगे, उनके लिए करोगे नहीं ठाकुर तुम्हारे लिए क्यों करेंगे। इसलिए भगवान कली युग में दो रूप में प्रकट हुए, एक विग्रह रूप में और एक उनके नाम रूप में, एक नाम रूप में और एक उनका विग्रह रूप में। इसलिए बोले हरि से बड़ा हरि का नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम है भगवान, और उनके नाम में कोई फर्क नहीं। इसलिए बोले ना नाम ही को चिंता रहती है, नाम ना को बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। जो नामी है जो कृष्ण है उनको ये चिंता रहती है भैया नाम कभी मेरी बदनाम नहीं होनी चाहिए। इसलिए द्रौपदी ने जब नाम पुकारी झटक आ गए घर से, झटक आए घर घर से। इसलिए साड़ी खेच तहार अनुशासन, साड़ी बढ़ाई श्याम हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए जिस समय हाथी को वो मगरमच्छ ने पकड़ा था, मगरमच्छ ने पकड़ा था, इतने में कितना हजार साल तक युद्ध होगी, कितने हजार साल तक, धीरे धीरे उसको जो पत्नी थे बच्चे थे सब एक एक सब चले गए। यहाँ पर दिखाया बोले भैया देखो सबके सब सुख को साथ में सबका साथ देते हैं, लेकिन जीवन में जब दुख आने लग जाए ना फिर धीरे 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 सबके सब एक एक करके पीछे हटने लग जाते हैं, सबके सब पीछे हटने लग जाते हैं। इसलिए हाथी ने देखा जिनको जीवन में मैंने पाला पोसा सब कुछ किया, अब मेरी विपत्ति आई तो एक एक सबके सब पीछे, सबके सब पीछे है, सबके सब पीछे, सबके सब दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया, बड़े स्वार्थ दुनिया ही दिन दुनिया, बड़ा स्वार्थ दुनिया है। इसलिए सबके सब चले गए। अभी तक मगरमच्छ पकड़ करके हाथी को धीरे 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 अंतर लेते जा रहे, करते करते जब तक नाक नहीं डूबेगा तो जिंदा नाक डूब गया, मतलब जब नाक तक पानी आ गई इतने में उसने एक फूल को लेकर के ठाकुर जी को दे दिया। तो ठाकुर जी इसी अंतिम समय तू ही सहारा है, मैंने जिनको तो अपना समझ रहा था सब सब गए, सबके सब चले गए, तो तू ही सहारा है। जब उन्हें एक कमल फूल दिया बोले भगवान को जिंदगी में दो बार जल्दी मची, एक तो द्रौपदी के वस्त्र हरने में और एक ने मगरमच्छ पर रक्षा करने में। उसने ना रा केवल उसने दो अक्षर उच्चारण की, इतने में चक्र आकर के उन्होंने मगरमच्छ को काट दिया, इतने तेजी से ये मगरमच्छ ये चक्र आ गई। इसलिए अरे नाम ही को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। इसलिए भगवान दो रूप में, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण नाम सुधा करिया पान, जुड़ा होगा कति विनत पान, नाम बिना किछु नाहि का आर्य चौद जगत माझे। इसलिए भैया भगवान के नाम के सिवाय जगत में और कुछ है नहीं चौद भुवन में। इसलिए जीवे रे कल्याण साधन काम, भगवान जगत में नाम रूप में आए क्यों, तो जीव की कल्याण करने के लिए। जगत है आसिय मधुर नाम, तो जगत में अगर सबसे कुछ मीठा है ना तो ठाकुर का नाम जगत में सबसे मीठा है, उससे मीठा जगत में कुछ नहीं। देखो इस जगत में देखना, इसलिए हम जो श्लोक सुन रहे थे ना कल, एक श्लोक सुन रहे थे ना महाप्रभु बताए, देखो हरिनाम करने से तुम्हें 7 फायदा होगा, कितना फायदा होगा कल हम लोग ने श्रवण किया था। पहला नंबर है चेत दर्पण मार्जन, चीत रूपी दर्पण का साफ हो जाएगा, भगवान तुम्हें दर्शन मिलने लग जाएंगे। दूसरा है भव महादावाग निर्वाण, संसार में हम जो दुख कष्ट उठा रहे हैं भगवत नाम लेने से सारे दुख कष्ट तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। और जो तीसरा है श्रेय और कैरव चंद्रिका विकरण, उदाहरण दिया तुम्हारे जो हृदय है एक कुमुदिनी पुष्प है, ठाकुर का जो नाम है ये चंद्रमा का किरण है, जैसे चंद्रमा का किरण बड़ा कोमल होता है बड़ा मीठा होता है उसमें सुशीतल होता है, उसी तरह प्रभु का नाम रूपी किरण तुम्हारे हृदय रूपी फूल में जब पड़ेगा तुम्हारा हृदय खिल जाएगा, मतलब आनंद आनंद आ जाएगा।
ये तीन कथा तीन तक सुना था, उसका चौथा लाभ बताए विद्या बधो जीवनम। जो विद्या है दो तरह का है, एक विद्या एक और अविद्या है, एक विद्या और एक अविद्या है। मतलब असली विद्या क्या है, तद्वीद मतलब होता है जानना। मतलब किसको जानना है, मतलब भगवान को जानना है। अगर हमने पढ़ाई लिखाई करके अगर भगवान को पहचान लिया ना, समझो तुम्हारी विद्या का ना संकल्प है, सारे विद्या तुम्हारे सार्थकता हो गई। सारा दुनिया की विद्या हमने पढ़ लिया लेकिन भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि नहीं, बोले सब जीरो तुम्हारी, वो जो पढ़ना पढ़ना सब जीरो। क्योंकि देखना अंतिम समय मरते समय वो यही बोलेंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है, ये बोले ना। देखो एक भक्त ने बहुत अच्छी कथा सुनाई, उसने जैसे आप बचपन में पढ़ते हो ना, बोले भैया अगर क्लास फाइव को अगर तू पास कर लिया ना बस, और कोई चिंता नहीं, क्लास फाइव को पास कर लिया। बोले भैया फाइव तो ऐसे पास कर जाते हैं, लेकिन जब तो क्लास टेन को तू पास नहीं करोगे सब बेकार है, इसलिए क्लास टेन को। फिर बच्चा जी जान लगा दे क्लास टेन को पढ़े, अभी क्लास टेन पढ़ाई होगी, उसको बाद में बोले अरे सब तो टेन क्लास अपने आप पास करती है थोड़ी हो, लेकिन जब तक बारहवीं क्लास को पास नहीं करोगे, क्योंकि उसको बाद में फिर सब्जेक्ट क्या लोगे उसके ऊपर निर्भर करना है। अगर तुम बारहवीं क्लास में बढ़िया अगर मार्क लाए ना, फिर तुमको सरकारी स्कूल में कम पैसे में एडमिशन मिल जाएगी। उसको बाद में फिर सब्जेक्ट चुनते हैं उसी को ऊपर भी, क्या तुम ना कौन सा तुम सब्जेक्ट लोगे। अभी बच्चा पूरा बारहवीं क्लास को पास करने के लिए पूरा जी जान लगा, अभी बारहवीं क्लास पास हो गया किसी तरह से बढ़िया नंबर लगे, बोले भैया इसको तो ऐसे ही पास करते हो थोड़ी है, अभी तो तुमको कोई एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ना पड़ेगा ना बढ़िया सब्जेक्ट। अरे डॉक्टर भी पढ़ता है, नहीं तो सीए करता है। अभी करते करते बोले भैया जब तक तुम सीए नहीं करोगे ठीक से, थोड़ी सब बेकार है, उस पूरा एनर्जी उसमें कितने पैसा और कितने एनर्जी लगा दिया, अभी सीए बन गया। बोले सीए बनने पर क्या होगा, अभी तो तेरे नौकरी करना पड़ेगा ना, नौकरी तो ढूंढना पड़ेगा। इतने उसने नौकरी जब नौकरी कर लिया, भैया तुमने इतने नौकरी क्यों किया, शादी करने के लिए ना, जब तक शादी नहीं करोगे तो पैसा कमाना बेकार है। शादी कर लिया, जब शादी कर लिया बोले शादी करके क्या होगा, जब बच्चे जन्म नहीं दोगे ना बेकार है, तो उसने बच्चे जन्म ले लिया। बच्चे जन्म के बाद में बोले बच्चे तो समय सभी जन्म देते हैं, अरे बच्चे को तो लिखाया पढ़ाया करना पड़ेगा ना, उसको बड़ा बनाना पड़ेगा। अब बच्चे को लिखाया पढ़ाया बड़ा बना दिया, बोले बड़ा बनाने पर क्या होगा, उसको तो पढ़ाई करके अच्छे तरह से शादीशुदा जब तक नहीं दोगे बच्चा जन्म देना बेकार है। अभी उसको शादीशुदा करा दिया, बच्चे हो गए, बोले तो बच्चे हो गया शादी तो करके तुम नाती पति नहीं होगा तो बेकार है। हाँ अभी हो गया, ऐसे करते 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 जिंदगी भर उसमें समय गया तुम्हारी, लेकिन जब शरीर जब छूट गया ना, शरीर जब छूट गया क्या बोले, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा। पर भैया अगर जीवन में तुमने राम का नाम नहीं लिया, कृष्ण का नाम तुमने नहीं लिया ना, सब कोई बात तुम्हारी झूठा। अभी तक जो पढ़ाई लिखाई बच्चे बच्चे जो जन्म दिया ना, अभी कुछ भी तेरे साथ में नहीं जा रहा है, एक सुई धागा भी तेरे साथ में यहाँ से नहीं जा रही है, सब छोड़ कर भी जा रहे हो। साथ में क्या जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सब कोई झूठा। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं विद्या दो तरह का है, एक विद्या और एक अविद्या है। इसलिए असली विद्या वही है, अगर ये विद्या के द्वारा अगर भगवत प्राप्ति हो गए, बीज मतलब होता है जानना, जैसे अक्षर है, अब कहते ना अक्षर है, अक्षर मतलब क्या है, आ मतलब नहीं, क्षर मतलब विनाश, जिसका कोई भी विनाश नहीं वो क्या है, बोले भगवान की भक्ति, भगवान का नाम है, यही असली विद्या है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं एक बहुत बड़े विद्वान थे केशव गास्वी, वो सरस्वती माँ जिनकी जीवा पर बैठ कर बात करती थी, हाँ उसको वरदान थी दुनिया में तेरे कोई परास्त नहीं कर सकते, लेकिन जो महाप्रभु 15-16 साल में जो परास्त थी, बोले भैया माँ सरस्वती तेरे को स्वयं बताए, जगत में तेरे कोई हरा नहीं सकता, और एक छोटा बच्चा मेरे को हरा दिया। देखो उन्हें सरस्वती मंत्र को जप की, जब की तो सरस्वती माँ स्वयं प्रकट हो गए, देव क्या कहते हैं, बोले बेटा आज तेरी विद्या पढ़ना सार्थक था। बोले क्यों, एक बालक को मेरे को परास्त कर दिया, कोई बड़ा विद्वान को साथ में परास्त होता तो कोई बात था, एक बालक बात बात में मेरे को परास्त कर दिया, अब कहते हो सार्थकता है। सरस्वती खुद कहती
बोले देखो बेटा मेरे दो तरह की कृपा है, मैं जिसको सही सही कृपा करती हूँ विद्या का जो फल है भगवान तक पहुंचा देती हूँ, और जिसको मैं सही सही कृपा नहीं करती हूँ ये जगत का कुछ डिग्री दे देता हूँ, एम ए पी एच डी डॉक्टर इंजीनियर बना करती अपने संसार का गधा बना देता हूँ, स्वयं रहते संसार का गधा बना देता हूँ, दिन भर काम करते रहो। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते किसे संसार है छाया बाजू का जगत में कौन इसके लिए कर रहे हो, झूठा संसार एक दिन दुनिया छोड़ कर जाना पड़ेगा तेरे को, किसे संसार है छायावादी प्राय यहाँ ते ममता करी वृथा दिन जाए, संसार में दिन भर काम करते करते वाह जीवन खत्म करते करके खत्म जीवन। ये संसद स्वयं कहते हैं बोले बेटा आज तुम्हारी पढ़ाई साथ कथा हो गया, बोले क्यों, बोले आज जिसको साथ में तुमने मिले मेरे पति वो स्वयं गौर नारायण है, बेटा विद्या तुम्हारी साथ कथा हो गया, जाओ उसको शरण में जाओ ठाकुर जी शरण में जाओ भजन करते हो। फिर वो जब भगवान के पास में आते हैं फिर ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले बेटा अयोध्या छाड़िया चली ले विद्या व पौरुष कुछ संग ना चले, जब ये शरीर छूट जाता है तो बोले जितने डिग्री किया ना वो डिग्री यही रह जाएगी, वो डिग्री आगे कोई काम नहीं करेगी, आगे कुछ काम नहीं करता है आगे जाकर के। बोले बेटा भगवान के नाम ही साथ में जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, ये सारे अहंकार को छोड़ो, छोड़ करके भगवान का भजन करो भक्ति करो ठाकुर का नाम जप करो। इसलिए कहते विद्या की तभी सार्थकता, अगर ये विद्या से अगर हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, इसलिए कहता विद्या वधु जीवनम, कि जो विद्या को एक वधु को साथ में बहु को साथ में उदाहरण दिया है, लेकिन ये विद्या भी वधु का जीवन किया बोले भगवान का नाम ठाकुर जी के नाम। हमारे गुरु जी एक अच्छी कथा सुनाते बोले एक समय कुछ अच्छे लिखे बड़े लड़के थे, कोई सीए कोई डॉक्टर इंजीनियर नदी पार कर रहे थे नाव में बैठे थे, नदी बड़ी लंबा चौड़ा था, अब बीच दरिया में जब नाव पहुंच गया ना जो सीए कर रहा था नाव वाले से पूछ रहा है बोले सीए के बारे में तेरे कुछ पता, बोले सीए क्या होता है, बोले नहीं जानते हो, बोले ऐसे जीवन बिता दिया, बोले भैया मैं तो नाव चला कर दो पैसा कमाता हूँ पेट पालता हूँ, सीए मेरे को क्या पता, बोले तुम्हारे तो 25% जीवन बिता और थोड़ी दूर गया, जो इंजीनियर था बोले इंजीनियर के बारे में भी जानते हो, बोले इंजीनियर क्या नहीं जानते, बोले तेरा तो 50% जीवन बिता है, और थोड़ी गया जो डॉक्टर था बोले डॉक्टरी के बारे में तेरे कुछ पता, बोले वो क्या हम तो नहीं जानते, तो तुम्हारे तो 75% जीवन बिता, लेकिन बीच दरिया में पहुंचा तो नाव में होगी छेद, छेद हो गया तो पानी घुसना शुरू हो गया, पानी घुसना कोशिश किया रोकने के लिए रोक नहीं पाया, उसने पूछा तुम लोगों को सब तैरना आता है, बोले तैरना क्या होता है, बोले तैरना नहीं आता है, बोले मेरा तो 75% जीवन गया, अभी तुम्हारे 100 के 100% जीवन जाएगा, और देखते देखते नाव तो बीच दरिया डूब गई, और सबके सब सीए डॉक्टर सबके सब खत्म, और उसको तो तैरना आता था छलांग लगाया पार हो गया। देखो इसमें अच्छी शिक्षा दी है, हम भी जगत में बड़े बड़े डिग्री को प्राप्त कर लिए, सीए डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े बने थे, लेकिन जो असली जो विद्या है ना उसमें ज्ञान नहीं है, वो भगवान की भक्ति विद्या है, वीरा जी से विद्या को पढ़े, हनुमान जी से विद्या को पढ़े, तुलसीदास जी से विद्या को पढ़े, सूरदास जी से विद्या को पढ़े, इसी में हमारी कोई ध्यान नहीं, केवल दुनिया में ध्यान है, केवल दुनिया में ध्यान, भैया ये सबके सब यही रहेगी, आगे तो केवल ठाकुर का नाम जाएगी, इसलिए बोले विद्या एक अविद्या है, इसलिए हम अविद्या में ही जीवन को बिता देते हैं, लेकिन विद्या में हमारे कोई ध्यान नहीं, इसलिए बोले विद्या वधु जीवनम, बोले इसका जीवन क्या, बोले भगवान का नाम, विद्या वधु जीवनम, बोले आनंदा बुद्धिवर्धन, भगवान के नाम में बोले आनंद रूपी जो समुद्र बैठते रहते, लेकिन आप इस दुनिया में देखना हर चीज आनंद बैठेगा, जगत का कोई भी आनंद कभी ऊपर नहीं जाती लगती, जैसे शादी किया पहले पत्नी क्या लगती है, बोले एक चंद्रमा तो मेरे पास में और एक चंद्रमा पास है, पहले पत्नी लगती है चंद्रमुखी, फिर बाद में सूरजमुखी, फिर बाद में ज्वालामुखी, फिर तो लड़ाई झगड़ा अशांत है ये जगत में, इसलिए जगत का प्रेम कहाँ से शुरू होता है, आई लव यू यही से शुरू होती है, फिर आई नीड यू, फिर आई कीव यू, फिर जाकर कोर्ट में जाकर के कैसे मामला लड़ता है, जगत में हर आनंद देखना, एक रसगुल्ला था बोले कैसे बोले दूसरे रसगुल्ला था बोले ठीक है बोले तीसरा बोले हाँ ठीक बोले चौथा बोले और नहीं चलेगा, खा भी लिया ना पंचमा में उल्टी हो जाएगी, पंचमा में उल्टी तुम्हारी हो जाएगी,
अब कोई भी जगत में कोई भी आप जीत देखना ना, वो आनंद कभी बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा बेटा पागल पागल बेटा हो गया, बाद में बात नहीं सुनता है, बात नहीं सुनता, फिर लड़ाई झगड़ा उसको साथ में शांत हुए रहोगे। इस जगह तक कोई भी आप दुनिया देखो, एक घर बढ़िया घर बनाए बोले नहीं यार अरे क्या सुंदर घर है, कुछ दिन बाद इस जगत में हर चीज को देखना आनंद ना नीचे नीचे। एक सिनेमा आई बहुत बढ़िया सिनेमा, एक बार देख लिया कैसे क्या सिनेमा, दो बार देख लिया बोले हाँ ठीक है, तीसरा बार देख, चौथा बार बैठकर देख भी नहीं सकते उसको, और देख भी नहीं सकते उसको। हर चीज को देखना आनंद, लेकिन प्रभु का नाम में ऐसे नहीं। संत लोग को देखो 26 घंटा प्रभु का नाम जप करते, 26 घंटा बोले प्रति पदम पूर्णा कृपास्वादन, ये प्रति पद पद में नई 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 आनंद क्यों, भगवान रस समुद्र है, रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप, इसलिए बोले प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम बोले सर्वात्म स्नापनम परम विजय श्री कृष्ण से कृपनम। अरे भगवान का नाम पर गुना सही देह गेह शरीर सब कुछ एक दिन तुम्हारी प्रभु की भजन में भक्ति में डूब जाओगे, सरावर हो जाओगे भक्ति में, एकदम आनंद में भरपूर हो जाओगे। जिस हनुमत लाल जी दिन भर रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम दिन भर प्रभु का नाम जप करते, इसलिए भगवान की नाम से ही जीव को परम कल्याण है। इसलिए इसमें 7 लाभ बताए, अगर प्रभु का नाम जप करोगे ना उसमें 7 लाभ होगा। ठीक है, क्या करना है, सवेरे उठ करके करोड़ों काम को पीछे रखना, दुनिया में कोई काम के लिए जीवन नहीं मिला है, भजन के लिए मिला है और किसी काम के लिए नहीं मिला, इसलिए करोड़ों काम को पीछे रख करके जो काम के लिए ठाकुर दिया पहले वो काम। जगत में हम जिसको अपना काम मानकर कहते वो काम नहीं बंधन है, वो बंधन है, वो काम हमारे उद्देश्य नहीं है, ये जीवन उद्देश्य भजन के लिए प्रभु ने दिया है। सवेरे नहा धोकर देखो आपके पिताजी के पिताजी माताजी जी सवेरे ही करते थे, हमारे सब यही करते थे, सवेरे करके नहा धोकर पहले ठाकुर को स्नान कराते थे, गीता रामायण यही तो करते थे हमारे। लेकिन हम सोचते उसको बेकूफ थे, हम तो बड़ा बड़ा पंडित हो गए, लिखा बड़ा सीख करना हम तो पंडित हो गए, भैया वही लोग ही सही थे जो कि जीवन को प्रभु की भक्ति के मार्ग में चला है। हम जितने लिखे बड़े हो रहे हैं ना उतने उद्दंड हो रहे हैं, उतने अभिमान आ रहे हैं, इसलिए हमें सबसे सवेरे नहा धोकर करोड़ों काम कोई क्योंकि काम तुम्हारे जीवन में आने वाले, नहा धोकर के सबसे पहले क्या करें, तिलक लगा, सबसे पहले क्या करेंगे तिलक के लिए नहीं करना है, तिलक के लिए तिलक क्या लगा नहीं, जैसे कि पति व्रता स्त्री पहले नहा धोकर क्या करें, सबसे पहले अपना मांग भरी सिंदूर लगाई फिर पति को सामने जाती, नहीं तो नहीं जाता है। उसी तरह ये तो जगत का सुहाग है, ये तो 2 दिन बाद मिट जाएगी, लेकिन असली जो सुहाग है तिलक है। अगर ठाकुर के सामने जाने से पहले तिलक के बगैर नहीं जानी चाहिए, सबसे पहले तिलक लगा, ये तिलक हम लोग तो हिंदू है देखना, जैसे कोई अच्छे काम के लिए जाता है तिलक ला कर दे बेटा तुम्हारे काम बन जाएगा, घर में ब्राह्मण आएगा पूजा कराने के लिए सबसे पहले तिलक लगाए, ये तो पूजा नहीं करवाता, इसलिए और ये गोपी चंदन का हम लगा दें, ये साधारण वस्तु नहीं, कृष्ण इसमें कृष्ण का अभिषेक की गई हाँ, इसलिए ये तिलक कोई साधारण वस्तु नहीं। ठीक है ना, सबसे पहले तिलक लगाए करना, उसके बाद में भगवान के आरती ठाकुर की सेवा पूजा करो, फिर दिन भर का अपना संसार काम करो, ठाकुर की सेवा में करके अपना घर गृह से कराओ। ठीक है ना, सबसे पहले तिलक लगा करके हरिनाम भजन करके अरे दुनिया की काम में दिन भर लगो और करो भगवान की सेवा मान कर सारे काम करो। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी की जय, जय श्री राधे। कल इसका दूसरा श्लोक हमारे प्रभु जी सुनाएंगे, कल इसके बाद में वो 8 श्लोक में, ठीक है 8 श्लोक में पहला श्लोक आपने सुना है, कल हमारे प्रभु जी समय हो गया इसलिए कल प्रभु जी आपको ये दूसरा श्लोक आपको सुनाएंगे। ठीक है, दूसरा श्लोक क्या है, नाम नाम कारी, हाँ ये श्लोक बड़ा अच्छा श्लोक है, ये भगवान ने ये और कुछ ग्रंथ शास्त्र नहीं बोले, भगवान केवल 8 श्लोक हम लोगों को दिए, बोले ये 8 श्लोक में हमने सब कुछ जितने वेद पुराण उपनिषद सब इसमें 8 श्लोक में दे दिया। कल आप लोग सुनना ये दूसरे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, भगवान नाम क्या है, नाम किस रूप में करने चाहिए और भगवान नाम कितने सुलभ कर दिया, दुर्लभ साज सुलभ कर दिया, लेकिन तब भी कली युग का जी भजन नहीं करते, तब भी हरिनाम नहीं करता, इसलिए कहते भैया इनका गति क्या होगा, इतने सरल उपाय रख दिया कली युग में जो नाम करके उधार सोता तब भी जीव
दूसरे दूसरे चीज लग जाते हैं तो उनका नाम करते हैं। देखो हम चाहते हैं जीवन में क्या जाने ज्यादा पैसा कमा दे और बड़े शांति सुख में रहें, इसलिए हमारे देश का लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश चल ज्यादा पैसा कमा दे। तो ये दो छोरी बैठी हुई है, दो लड़के बैठे हुए, लड़की ये रशिया की दो लड़की है। प्रभु जी आप सोच नहीं सकते जब यहाँ इनका वीजा खत्म हो जाती है ना कितने दुखी होते हैं। भगवान हम नरक में क्यों जन्म दिए, विदेश गति नरक में क्यों जन्म दिए, ये रोते हैं जब वीजा इनकी खत्म हो जाती है। और कितने कष्ट करके जा करके एक लोग ने 6 महीना कठोर परिश्रम करके लोग पैसा कमाते हैं और कोशिश करते हैं आकर के 6 महीना ब्रज में वास करे, जहाँ पर राधे राधे नाम, जहाँ कृष्ण कृष्ण नाम, जहाँ ठाकुर जी का भजन, वृंदावन वास करते हैं। हैं इन लोगों ने पैसा कष्ट कर कमा करके घर क्यों, शांति पैसा से नहीं, आत्मा की जो खुराक है ये शरीर का खुराक, आत्मा की खुराक ठाकुर का नाम है। ठाकुर का नाम अगर एक पिंजरा है उसके अंदर में एक तोता है, अगर पिंजरा को अगर रोज को पेंटिंग करो अगर तोते को खाना नहीं दो ना मर जाए, उसी तरह हम भी केवल पिंजरा को शरीर को ऐसे लगाए, शरीर को खिलाए, शरीर को करें भैया ये पिंजरा है लेकिन तोता तो अंदर में खुद बैठा हुआ, अगर तोते को खाना नहीं खिलाओ मर जाएगा। असली जो तोता है वो आत्मा है, भगवान है, भक्ति है, अगर उसको नहीं करो तो बस शरीर को खिलाओ 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 मर जाओगे। इसलिए ये लोग आत्मा की खुराक ढूंढने के लिए आए, आत्मा की खुराक भगवान की नाम। एक बार हाथ उठा कर बोलो बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
गुरुदेव की जय।